आज का कोसले स्वाद रे ब्रह्मपुर स्पेशल क्षीर पोड़ पिठा बना हिचे। ई पोड़ पिठाटा छपन भोग भीतर गुटे भोग है जेनटा कि श्री जगन्नाथ खंडा ने भी भोग लागी हेसी। बनाबार प्रोसेस तो बहुत इजी है। सबके रीनार जुहार। मुई रीना मोर चैनल कोसले स्वाद के आपण मान के स्वागत करूछे। मुई ई क्षीर पोड़ पिठा केनता करी बनै छै जे चलुन तार प्रोसेसटा हमें देखि नामा। देखुन ई ओलुआ चाउल के एटा मुई रातिरु पुत्रे दीछे। ई जेन गिना नै छे इथरे पूरा फुल गिने नै नै कर टिक्के काटि कर चाउलटा मुई मेजर करी छे। रातिरे तो दुही करी बुतरे थिली फेर यहाँ दुई तीन थर एटा के भल करी दुही दमा आ एटा के ग्राइंडिंग कर दमा। भल करी दुही दुआ सरला परे यहाँ दे चाउल के ग्राइंडिंग कर दमा। चाउल के जेन ग्राइंडिंग करमा मुई एटा छोट जार रे ग्राइंडिंग कर जे मोटा बड़ जार नै न बलके जिन जार थिबा हेती दे करबे आ एटा के पैन थी ग्राइंडिंग नै करी करी गुरस थी ग्राइंडिंग करबे। देखुन मुई एटा जेतकी तरमे चाउल लेई थिली सेटा के दुई भाग करी करी एटा पिसे देनी। देखुन या दे मुई एटा पूरा फाइन पेस्ट कर दे छे। पूरा फाइन करी पिसा बार छे पैन थी भी पिसे परबे बाकी मुई इने गुरस थी पिसे छे। सबके भल कर पिसे सारा पर यहाँ आम गोटे कढ़ईटे नमा जेन जगह आमको पिठाटा घाटबार अच्छे से जगह आम चार गिना गुरस नमा बोले आमको पूरा टोटाल पाँच गिना दरकार। जेतकी चाउल नहीं थी तार मैंने पाँच गिना गुरस देमा। गोटे गिना तो मुई पिसाला बेल के व्यवहार करी आउ चार गिना यहाँ इतने मुझे तार मुई चीनी देछे चीनीटा मुई दुई कप देछे निज के जेनता तार मैंने मीठा पसंद हेन्ता हिसाब इन्हें चीनी रो व्यवहार करबे। एतकी दे सहला परे यहाँ दे देखुन इटा इलायची रो पाउडर मुई देछे आधा चामच। इलायची रो पाउडर दमा बेले बहुत बढ़िया बासना आसी। एतकी न देछे आउ इथिरे मुई किछि नै दे आउ यहाँ दे इटा के मुई गैस रे बसे देछे। गैस रे बसे सहला परे इटा के टिके तार मैंने गुलाई दमा पातियारे पातियारे गुले सारा पर इटा के फुटबार के छाड़ी दमा। देखुन गुरसटा फुटी गला न गुरसटा जितेबाला फुटी जीवा कि मुई सेतेबाला काजू इने देछे। काजू के भाजी ने मुई कंचाटा देछे तार पर यहाँ दे इटा पिठो के देकर गोटे हाथ रुकुमा आ गोटे हाथ इटा के घाटुमा बेले पूरा तार में से ढेढ़ा ढेढ़ा जेन हेसी एंताटा आउ नी हुए न। मुई बहुत सिंपल तरीका रे बनौछे जे कहीं भी इटा के बने पार्बे हेती ले मुई खाली इने काजू रो व्यवहार करछे। इस जगह रे नड़िया भी काटिकरी दे पार्बे आउ काजू के भाजी करी भी दे पार्बे। तार पर यहाँ आमको कंटिन्यूस रे इटा के गुलाबल ले पड़वा। गैस रो फ्लेम के टिके स्लो रे रखिकरी सबुटा करबे बेले ठीक हिसाब से जतनीटा सीझी जैसी। मुई पूरा स्लो फ्लेम रे इटा के करथिली। देखुन पूरा केते सुंदर है करी यहाँ आमर जतनीटा भी भल होकरी सीझी जाइए भल होकरी सीझला जाए पिठाटा कौन लगसी आउ पूरा हाई फ्लेम रे कर देवे बोले इटा निके जल्दी हो जासी आउ तार मैंने से जतनीटा टिके लटकिला लटकिला बागे हेसी। देखुन यहाँ आमर जतनीटा रेडी हो गलान चलो नेक्स्ट प्रोसेस के जीमा। तार परे देखुन मुई यहाँ इटा पुराणा नॉनस्टिक रो पैन टे नहीं छे जिन थे मुझ सब पुड़ा पुड़ी करसी इथिरे बढ़िया हिसाब हेसी बोली इथिरे मुझ करसी इथिरे यहाँ मुझे तेल टिके देकर ग्रीस करदेमी। तेल जगार घी भी दे पार्बे घी रो स्मेल टा समस्ते पसंद नहीं करन हेतिले मुझे तेल रे बनई छे। तेल देकर सबुआड़े पूरा भल कर इटा के ग्रीस कर देबार अच्छे। पूरा भल कर ग्रीस कर सारे पर यहाँ मुई सबु जत्नी के इथिरे दे दीछे। देखुन इटा पूरा गरम अच्छे तेल गरम थे करी सबु प्रोसेसटा आम करमा। सबु जत्नी के यहाँ आम ये पैन रे दे देमा। सबु जत्नी के दे सारा पर देखुन इटा मुई पैन हाथ टिके हेइछे आउ यहाँ इटा के समान कर देमा। पूरा समान करी तार मैं चिकन टी कर दमा बेले भल दिशा पिठाटा से पूरा चिकन करी आम पैन हाथ टिके टिके हेमा आउ इटा के पूरा फ्लाट करी जेनता तार मैं गोल हिसाब से करदे साइड साइड जब गोल नहीं हुए बेले एंता कर पातिया भी पैन टिके टिके बुठी करी इटा के एंता करें। देखुन ऊपरटा यहाँ पूरा चिकन हो जाइए आउ एतक हिसाब से मुई रखिकी पिठाटा पोड़ामी। यहाँ दे इतने मुई ढापनी गोटे के ढापी देकर स्लो फ्लेम रे इटा के पहला 15 रु 20 मिनिट बसाबार अच्छे।
15 रु 20 मिनिट पूरा स्लो फ्लेम रे इटा के मुई बसई थिली आ बिल्कुल तमने हाई फ्लेम नै करी आ यहा दे इटा के हमकु उल्टा बार नै न गैस रो फ्लेम के बंद कर देकर पूरा ठंडा हेबार के देमा पूरा ठंडा हेले जे इटा के लहटामा इटा के लहटाबार आगरु इथिरे आमे आ टिके रिफाइन तेल देमा जेंता के लहटा लाबेल के इटा आ थाली रे नै लटकी बानो एति ले इटा मोय फेर इने रिफाइन तेल टिके तार उपरे दे छे आ जेन थाली रे आमे फ्लिप करमा सेति रे भी आमे तेल टिके ग्रीस कर देमा बले आ थाली रे भी आ नी लटकिनो सेटा बहुत जल्दी खसरी जिबा 5 रु 7 मिनिट तक इटा के पूरा ठंडा हेबार के देली आ यहा दे पातिया गुटे नै छे आ पातिया रे एदा तलु टिके टिके तार माने खसरे दउ छे भल केते बेले केनता मझी लटकी जाई थी सिगनी एति ले इटा के टिके मु यहा दे इटा पातिया रे खसरे दे छे आ तार परे जे इटा के अलगा गुटे जगह रे आमे काढी देमा सब आड़ू एंता करी काढ़ी सारा पर यहाँ हाथ एंता नी करी करी इटा के आमे गोटे थाली रे एंता करी लहटे दमा गोटे थाली रे लहटे दमा बेले पूरा ठीक हिसाब से रही जैसी आउ जदि पातिया कि हाथ खसरामा बेले खण खण हो जैसी हेते ले मुझे देखो इटा आर साइड के एंता करी लहटे दे छे तार पर सही पैन रे एखा सही पिठा के यहाँ एंता करी मुई रखी दे छे तार पर इटा के मुई देखुन गैस रे बसई छे पूरा स्लो फ्लेम रे बसे करी इटा के ढापी दे छे 10 मिनट लागी 10 मिनट बसाली तार पर इटा गैस रु काढ़ी देथिली इहा दे इटा पूरा ठंडा हे जई छे ठंडा हे गला पर इटा के मुई लहटे दे छे देखुन आमर खीरो पोडा पिठाटा इहा दे केते सुंदर हे करी पुड़ी छे चलुन इहा दे आमे इटा के काटमा देखुन ये पिठाटा पूरा सॉफ्ट है छे बहुत पूरा सॉफ्ट रहसी खीरो पोड़ पिठाटा बाकी पिठा नु नगे इटा बहुत सॉफ्ट रहसी आउ तार टेस्ट भी पूरा असम अच्छे आउ पूरा कौल लेकरी बहुत भल लगसी खाइबार लगी निजर पसंद रो साइज हिसाब से चलुन इटा के काटी दमा देखले तो केते सुंदर आउ केते सहज हिसाब से आजका आमे खीरो पोड़ा पिठा बनाला रथयात्रा आरंभ हो गला नु एंदा करी खीरो पोड़ा पिठाटा बनौन आउ निजे भी एंजॉय करूँ आउ भगवान को ठने भोग लगन आजिर मोर ई रेसिपी केनता लागला जे सियोर कमेंट करी करी जनाबे भल लागला बेले प्लीज लाइक कमेंट शेयर करबे आउ मोर चैनल कौशले स्वाद के सब्सक्राइब करबा लागि नाइ भूलबे हो रहली जुहार फिर के भेटमा आउ गुटे नुआ रेसिपी रे।